लेट्स गो। पागल हो गया यार। ओ यार मेरा जूता तोड़ दिया। आज करा के फोन का टूर दफा हो जा। रबिया मुझे दिखाओ, नहीं टूटा तो नहीं। अस्तगफिरुल्लाह रबिया यार, मैंने ये नया फोन था यार, तो मैं आप ही नहीं, ये रिंग लाइट पे लगा हुआ था। सॉरी नहीं, मैं वीडियो बना रही थी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, सो वेलकम टू ऑफिसर्स YouTube चैनल एंड वेलकम टू न्यू व्लॉग। सो गाइस आज का सीन कुछ है कि इतने लोग कमेंट्स कर रहे थे कि यार आप प्रैंक कब करने के लिए, कितनी देर होगी आपने अभी तक कोई प्रैंक नहीं किया। सो गाइस आज फाइनली हम लोग एक प्रैंक करने लगे हैं, वो भी वन एंड ओनली आप ही के साथ एंड उसके न्यू फोन 16 प्रो मैक्स के साथ, क्योंकि आज उसने न्यू फोन लिया हुआ, तो मैंने कहा उसके साथ क्यों ना प्रैंक किया जाए। सो बहुत मजा आने वाला है। अभी जो है ना हम सब जो है ना मिलके कहीं जा रहे हैं, वहां पे आप भी हमें मिलेंगे, रीभा भी मिलेंगे और शायद जो है आज आप ही घर आए, तो मैं तभी उसके साथ ही प्रैंक करूंगी। सो वेट फॉर इट, लेट्स गो। इधर मामा और फातिमा के पता नहीं क्या बातें करी गाइस, इतने सालों के बाद ना लोग आज जो फैमिली है सारी इकट्ठे बैठ के बाहर खाना खाने के लिए जा रहे हैं। सालों नहीं, चलो हफ्तों के बाद हो जाए सब। मेरी और फातिमा की वो ट्विनिंग हो, आजकल मैं देख रही हूँ इन दोनों की इतनी ज्यादा ना बातें चल रही है। मामा ट्विनिंग तो कपड़ों की, ट्विनिंग नहीं गॉसिप हो रही है दोनों की। तुम मुझे कॉपी करती हो ना, फातिमा मुझे कॉपी किया करे। अच्छा फातिमा, फातिमा मुझे कॉपी किया। फातिमा मम्मा का नहीं, मम्मा को कोई एक डायलॉग बताओ जो मम्मा हमेशा बोलती हैं, कोई एक डायलॉग जो तुम्हें पता हो। हाथ धो गई हो, मैंने वीडियो बनानी थी और जैनब मैडम, जैनब तुम्हें तैयार होने का क्या, तुम अभी तक नहीं हुई हो यार। जैनब ये देख रहे गाइस, मेरी एक बहन है जिसको फोटो से फुर्सत नहीं मिलती, अपने आप को पता नहीं क्या दीपिका समझी है, लेकिन तुम जैनब लग रही हो, ठीक है ना, टेंशन ना लो। जैनब तुम मुझे बताओ मम्मा को एक डायलॉग जो वो सबसे ज्यादा बोलती है। नो रिएक्शन, हद हो गई है। नहीं ये तो तुमने बाहर से सुना है, सही बताओ। ओए जैनब वाह, मामा का डायलॉग मामा ज्यादा बोलती है। ओए जैनब वाह, जैनब हद, खैर मैं भी बोलने लगी हद हो गई है। जैनब तैयार हो जाओ, हम लोग वीडियो बनाने लगे हैं, प्यारा सा, लेकिन तुम अभी तैयार नहीं ना हुई हो। तैयार तो हो जाओ यार, जल्दी तैयार होके जाओ, जाओ। इतनी न्यू शर्ट पहनी है मैंने, लेकिन जैनब फिर शक्ल तो चेंज करना भूल गई। गाइस मैं 2 मिनट के लिए अपनी वीडियो बना रही थी, तो मैंने क्या देखा कि पूरे घर वाले गायब हो चुके हैं। जैनब तुम भी मुझे छोड़ के चली जाओ, सारे चले गए मुझे छोड़ के ऑलरेडी। तुम नहीं जा रही? नहीं मैं नहीं जा रही हूँ, तो भाई घर रह रही हूँ, तुम जाओ आराम से फन करो मस्ती करो। कितनी तुम्हें खुशी हो रही है मम्मा जी, मैं नहीं जा रही, आप लोग जाओ, मैंने नहीं जाना, आप लोग मुझे छोड़ के चले गए। बन तो गई है। नहीं मैं जरा सा वीडियो बना रही हूँ, आप लोग सारे खुद बाहर निकल गए, मेरे लिए वेट भी नहीं किया आपने। रबिया के बगैर जा सकते हैं भला? मैंने नहीं बात करनी है फातिमा, मैंने नहीं जाना, मैं क्या साफ बोल दिया मैंने। तुम लोग मुझे छोड़ के चले गए हो। 2 मिनट के लिए ऊपर गई हूँ वीडियो बनाने के लिए, नीचे आई हूँ सारे गायब है। गाड़ी से उतर के वापस आई हूँ तुम्हें लेने के लिए, मैंने जाना नहीं, आप लोगों से बात ही नहीं कर रही हूँ। चलो कोई बात नहीं, चली जाती हूँ, इतना ना रोके यार, चली जाती। चलो मेरे जूता, मुझे आपने कोई जूता भी नहीं दिया, कोई कपड़े भी नहीं दिए क्या? लेकिन आप लगा सकते हैं, आपको अलाउड है हर चीज। जैनब जो इधर जूते पहनी, जैनब तुम्हारे जूते खाने की उम्र है, तुम जूते पहन रही हो यार, हद होती है, ये लो परफ्यूम लगा लो। तुमसे ही सीखे ये, लगा लो जैनब परफ्यूम। खाती है, अभी खा के बैठी ऊपर एसी चला के बैठी। हाँ जी हाँ, मुझे पता है गर्मी में इतनी ठंड में इतनी ठंड में जूते मार सकते हैं, तो जैनब कुछ भी कर सकते हैं। खैर हम निकलते हैं, चलो हम लोग गाड़ी में बैठे हुए ही नजर मम्मा के कैचर पे पड़ी थी। मम्मा ये क्या, अपने बटरफ्लाई सर पे मोती, हर चीज पे नजर रखती है मम्मा ने, आज मोती हीरे सर पे लगाए हुए, प्यारी लग रही है। चले गाइस जो है सारे अपनी जो है ना जगह पे बैठ चुके हैं, लेट्स गो। गाइस मामा की तुम लोग को एक बात बताओ, मामा गाड़ी में आके बैठी और कहती पापा को कि मैं ना अच्छी नहीं लग रही। पापा कहते हैं एडा केंडा तैयार हो के फिर भी नहीं तैयार हुई है, और अभी मामा यहाँ पे बैठ के जो ना मेकअप भी कर रही है, अपना लाइट कर रही है। और तो ना ये सही है, पहले इतना ज्यादा मेकअप किया और अब कह रही है मेकअप लाइट कर रही हूं। अच्छी लग रही है मम्मा, बहुत प्यारी लग रही है, मत करे। तो जी गाइस फाइनली हम लोग जो अपनी लोकेशन पे पहुंच गए, यहाँ पे इतना रश है, इतना ध्यान से शुक्र है। और यहाँ पे क्या मुझे जूती पहना दी है मामा ने, चलो चलो गाइस अब वो लोग भी सारे आ गए, देखते हैं मिलते हैं जाके आपकी से और खाना शाना खाते हैं। A few moments later. तो जी गाइस फाइनली हम लोगों ने खाना शाना खा लिया था और हमें ज्वाइन किया था वन एंड ओनली क्यूटी आपी ने। कैसी हो आपी? ज्वाइन मैंने काफी देर पहले का किया हुआ था व्लॉग, पता नहीं आज सारी बनाना भूल गई, सब भूल गई आपी। लेकिन आज आप इतना कैजुअल क्यों तैयार हो गए? हमने तो कहा था डिनर है, आज अच्छा वाला तैयार हो के आना आपने। मैंने तुम्हें चिपेड़े।
50 बार बोले हैं। गाइस आप भी अपनी तरह से हील पहन के आइए, काफी तैयार होकर आइए। आप भी अड्डा पहन के आइए, मैं फ्लैट में ही खुश हूँ। फादर फ्लैट आप भी देख बैग पकड़ के यार, ट्रक अंकल ने काफी शोर कर दिया। आप बोलो पकड़ के मैंने हर चीज फोन के पीछे। हाँ लेकिन नहीं, मुझे लगा था हम लोगों ने अभी फुल कैजुअल डिनर है। कैजुअल क्या है, लग रही है ये। ओए हाँ आप ही अपनी शर्ट छुपाना शुरू कर दिया। मैं दे दूंगी तुम्हें मेरी कमीज। ये देखो ऐसे करो, भी लग रही है ये देखो। ओए खैर गाइस, जाना है किधर ही पूरा व्लॉग करना। खैर गाइस हम लोग जो है थोड़ी कॉफी पीने जा रहे हैं। कॉफी पी के फिर जो है ना हम लोग शॉपिंग पे जाएंगे। हां क्या फ्रेंच वैनिला आपके लिए? पाकिस्तानी वैनिला लाएंगे हम। क्या जूस टाइप ना, कॉफी टाइप। चलो चलते हैं, आ जाओ गाइस। पापा का क्या स्कोप है, खड़े खड़े फैंस मिल जाए। हाय हाय डॉक्टर मियां फैसल यार, लेवल चेक कर रही है अपने बंदे का यार। मेरा भी लेवल है। पापा तो नेक्स्ट, मामा का आंटियों में लेवल है, पापा का अंकलों में लेवल है, तुम्हारा किसी जगह भी लेवल है। मालूम है तेरे बाप को, मत सिखा चल। तुम्हारा ज़ैनब के पागल हो गयो यार। ओ यार मेरा जूता तोड़ दिए, बदतमीज। मम्मा इसने मेरा जूता तोड़ दिया है। तुमने मुझे इतनी जोर का, पूरी दुनिया गवाह है। आप भी यार इसे मेरे मामा ने मुझे ये जूता पहनाया था सारा। एक मिनट नहीं, मामा ने मुझे ढाई लोकल जूता पहनवा दिया, वो टूट गया यार। अब आगे हम लोकल नहीं है यार, इतना महंगा नहीं था ये, ब्रांड का था, इतना पहना कि ब्रांड का लोगो ही घिस गया। हाथ धो दिया मामा यार। पापा जी अपना जूता मैंने जल्दी में दिया था, आप मेरा जूता तोड़ दिया ज़ैनब ने। ज़ैनब ने तोड़ा नहीं, तो मैंने हल्का सा धक्का दिया। चलो मैं जूता दूंगा। हाँ जी, तो आपकी वाली हालत में मैं फिरूंगा जी। आपको शर्म नहीं आएगी? नहीं नहीं, आप मेरे बाबू है यार, बाबा सेहत के लिए। हानिकारक है। नहीं ऐसे नहीं मामा, आप अपना देना, आपने मेरा तोड़ दिया। लेकिन मामा का तो मेरे से भी ज्यादा टूटा है शायद। नहीं मामा का प्यारा है, लग रहा मामा पुराने जूते भी आएंगे सामने, बदतमीज। पूरा दिन जो है वो टूटे जूते में गुजारना पड़ेगा। कैसे चल रहा है ऐसे यार, ये सब इसकी वजह से हुआ, सब इसकी वजह से हुआ। शॉकिंग, सॉरी मैंने बता दिया। उसने जूता तोड़ा, तू उसने कान तोड़ दे। सॉरी ज़ैनब। चलो गाइस कोई बात नहीं, टूटी जूती के साथ कुछ लोग टूटी सोच के साथ रह सकते हैं, हम जूती के साथ क्यों नहीं रह सकते हैं। टूटी नहीं छोटी सोच, छोटी टूटी जूती सोच भी होती है। होता है टूटे जूते के साथ चलना तेरा चैलेंज है। हेलो मैं गलत जगह से जा रही हूँ, लोग जो है कॉफी शॉप पे पीते हैं जाकर। आ गाइस इट्स इंसल्ट की बात है, इस जगह पर टूटा जूता के साथ ज़ैनब, इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ यू। ठीक है, इतने लोग खड़े और तुम मुझे यहाँ पे जो है ना वो जमीन करवा रही हो। खैर कोई बात नहीं, आप इग्नोर करो। तुम मेरे साथ नहीं खड़ी हो, तुम मुझे एम्बैरेस कर रही हो। देखो लोग का ऊपर पर खड़े हो क्योंकि उनकी टर्न नहीं आ रही है गाइस। पागल हो, वो सेट कर रहे हैं। ओ अच्छा सॉरी, वो सेट कर रहे हैं अपनी जब ना, वो ऊपर वो लगा रहे हैं बर्गर वगैरह। हाँ ये फैमिली इधर खड़ी हो गई है साथ। गाइस इधर जो है ना सबकी ड्रिंक्स आ चुकी है। और आप ही का क्या हुआ, आप ही अपने फ्रेंच वैनिला कहा था, तो क्या मसला क्या है? पता आप ही कैनेडा हुई है। आप ही क्या कैनेडा? मैंने मेरी गलती नहीं है, हमारी गलती नहीं, एंजॉय करो, यही पियो, जो आ गया आ गया। A few moments later. तो जी गाइस फाइनली हम लोग घर आ गए, और आते साथ ही ज़ैनब ने क्या ढांबा डाल दिया। तुम्हें क्या, मैं घर में बैठने वाली अच्छी लग रही हूँ? नहीं ना, तो फिर तो आते साथ ज़ैनब ने कहती कुछ हया की तरफ चला। ज़ैनब अभी कल वो आई हुई थी, आज नाश्ता करने हमने जाना, तुम पूरी रात सोगी नहीं। मैं घर नहीं तो मैं सो जाऊंगी, इसलिए ना 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 बात मत पलटो। कल हया तुम्हारे घर थी, आज तुम्हारा क्या तुक बनता है क्या उसकी तरफ जाने का? क्योंकि हम लोगों ने रात को मेकअप करना जो कि सारा सामान उसके घर है, बस सारे बहाने हैं। पता नहीं क्या मिलके जो है ना एक दूसरे बातें नहीं करती है, फोन पे बातें करती है सारा। मैं देखा, चलो मसाज आती हूं, मैं देख देखो जरा मामा आप भी परेशान आ गई ना इसके स्लीप ओवर से। मैं इसके साथ ही जा। हाँ मेरी बात सुनो, सुबह मैं 6 बजे आऊंगी और तुम मुझे उठी हुई नजर आओ। कोई 6 बजे मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, घर बैठो चुप करके वापस घर आओ। मैंने नहीं जाना नाश्ता करने, ये लोग जो है ना कोई नाश्ता नुश्ता करने का प्लान में, मैं सोच रही हूं बिजी हो गई हूं। हां जी जाओ मम्मा जी, आ जाए मम्मा आप इसको छोड़ के, मम्मा को नींद आ रही है, बचले रास्ते में गाड़ी में सो जाए, तो ध्यान से लेके जाना मम्मा, सो जाओ ध्यान से जाओ। खैर इनका तो शुगर मेरा चलता रहेगा, मेरी कोई ऐसी दोस्त नहीं जिसकी तरफ मैं चली जाऊँ इस टाइम स्लीप ओवर करने के लिए, सबके घर इतने दूर दूर है। खैर आप ही जो है गाइस आज हमारे घर रहने के लिए आई है, रहने के लिए आई हो या फिर आपके पति आपको ले जाएंगे, ये हमें बताओ। ये रह ही पड़ोगी, वाह यार ये तो अच्छा हो गया गाइस, अब अच्छा हो गया। आप ही आ जा, आज आपकी अच्छे से खिदमत होगी, ठीक है ना? आज आपको आपको ऐसा करो ज़ैनब स्लीप ओवर पे गई, आप आज मेरे रूम में सो जाना, ठीक है? चलो डन गाइस। मामा जो है ज़ैनब को छोड़ के आ गई। मामा जी क्या वॉक पैदल छोड़ के आई है क्या, गाड़ी पे छोड़ के आई है? छोड़ के आई हूँ, कुत्ता मेरे पीछे लग गया सब। हाय ये सही है, मामा के पीछे कुत्ता ये
मामा जी प्लीज मेरी बात सुनो, मुझे आपके बहुत ज्यादा हेल्प चाहिए. क्या? आपने पता क्या करना है ना, आप ही के साथ प्लान करना है उसका आईफोन 16 तोड़ने का. याद है एक दो मैंने पहले भी किया था फातिमा के साथ. टूट गया तो फिर टूटने की नहीं, मैंने टेक्निक आती है मुझे, बताती हूँ मैं आपको. आपका फोन की तरह आपके फोन का मैंने प्रोटेक्टर उतारना है, उसको तोड़ना है और वो तोड़ के आप ही के फोन पे चिपका देना है, तो ऐसे लगेगा स्क्रीन टूट गई है. ताकि दो फोनों का रिस्क ले रही हूँ, मेरा भी टूट सकता है और उसका. नहीं मम्मा नहीं टूटेगा आपका, मैं प्रॉमिस करती हूँ आपको. आपका मैं कल ही जो है ना प्रोटेक्टर लगवा दूंगी, बस बस आप मुझे अपना फोन का प्रोटेक्टर दे दे. प्रोटेक्टर उतारते हुए मेरा फोन जख्मी कर. नहीं करूंगी मम्मा प्रॉमिस यार प्लीज दे देना. देख लो अभी इतना बड़ा रिस्क ले रही हूँ, मेरे फोन को ना कुछ करते. नहीं मम्मा प्रॉमिस कुछ नहीं करूंगी, बस मम्मा अपना फोन दे दे मुझे. गाइस अब देखते हैं जरा इतना मजा आएगा ना आपके साथ प्रैंक का. इतना फास्ट में रुक भी गई है घर पर. फोन के लिए दुआ करें मामा यार. गाइस मेरे हाथ मामा का फोन लग चुका है. मामा गाने सुनती है स्टार बॉय के. वाह वाह क्या बात है. खैर मामा का प्रोटेक्टर उतारते हैं. वाह 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 गाइस हमारा जो है ना प्रोटेक्टर वो उतर चुका है, अब इसको तोड़ते हैं. गाइस ये तो टूट ही नहीं रहा यार, वैसे बहुत जल्दी टूट जाता है. तोड़ टूटो आए हाय 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 मजा आ गया, मेरे हाथ पे ना लग जाए. याहू ये हमारा जो है प्रोटेक्टर टूट चुका है. गाइस जरा आप भी जो है ना पता नहीं शीशे अपनी शक्लों, आप भी मुझे आपका ना फोन चाहिए, इतना प्यारा प्यारा न्यू 16 प्रो मैक्स. इतनी क्या रंग की लिपस्टिक लगाई हुई है, ऑरेंज चमेली लग रही है इस टाइम. पता है आपको मेरे कपड़ों में है ऑरेंज. ऑरेंज अपने आप आपके कपड़ों में आप खुद दो. पता है आपको ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है यार, आप ही दे दो फोन चाहिए मुझे. पहले पंखा बंद कर फिर दो. हाँ दो तीन काम करिए, मैंने वीडियोस बनानी है. अब माना कि 16 इससे ले लिया, लेकिन उसकी इतनी शौकियाँ मार रही है कि फिर 16 ले लिया. मैंने एक दफा भी यूज नहीं किया आपका फोन. क्या 16 लिया नहीं है, फकीर पहले ही आ गए हैं. तरीका है भीख मांगने का. नहीं तो दे दो ना अपनी वीडियो शीट बना. क्या नहीं दे सकती फकीर पर. आप ही वीडियो शीट बनानी है तो इसी. थैंक यू संभाल के फोन. मम्मा मुझे ऐसा कुछ नहीं कहा गाइस, अरीब ने मुझे सिर्फ ये कहा है कि बहनों से दूर रखना. नहीं अरीब ने मुझे कहा है. आप क्या अपने कोड खुला दे दिया, मैं सारा चेक कर लूंगी आपका फोन. जा तू क्या गाइस आया आज इकरा, कुछ भी नहीं आज इकरा के फोन का टूर दफा हो जाए. कोई बात देखने की इजाजत है और किसी को नहीं. अच्छा गाइस अब आज आप की जरा चेकिंग करते हैं. मजाक कर रही हूं, मैं फोटो शॉट लूंगी, प्यारी प्यारी वीडियोस बनाऊंगी. थैंक यू सो मच. मैं रिंग लाइट खड़ी करती हूं, रिंग लाइट पे लगाऊंगी. चलो बाय गाइस. फाइनली आप का फोन मेरे हाथ लग चुका है, मुझे देखने के ऊपर चिपकता है कि नहीं गाइस, बस नकली ना लगे. बिस्मिल्लाह गाइस फाइनली फोन जो है फुल टूटा हुआ लग रहा है और ऐसा लग रहा है कि वही नीचे गिरा हुआ है. बहुत मजा आएगा अभी मजा आएगा ना भिड़ो. यार मुझे समझ नहीं आ रही है कि फोन की जगह पे मैं ऐसा क्या गिराऊं जो लगे कि फोन गिरा है. मैं चेक करती हूं, आवाज चेक करती हूं किसकी आवाज फोन के गिरने जैसी है. नहीं यार नहीं यार, मैं तो कहती हूं मामा का फोन गिरा देती हूं या फिर असल में ही फोन गिरा देती हूं. हाँ इसकी सही आवाज़ है गाइस. गाइस इससे काम नहीं बना, अब ये महंगे 1 2 3 इसके साथ महंगे. मम्मा इधर आना जल्दी यार, जल्दी आना यार. राबिया मुझे दिखाओ, नहीं टूटा तो नहीं. अस्तगफिरुल्लाह राबिया यार, मैंने ये नया फोन था यार तुम्हें, मैंने इसलिए दिया था तुम्हें. अस्तगफिरुल्लाह राबिया देखो अभी प्रोटेक्टर टूटा होगा. आए अभी नहीं, मैं वीडियो बना रही थी यार, मुझे नहीं पता चला रिंग लाइट गिरी ऊपर से वो उतर के गिर गया. तुम्हारा दिमाग खराब है यार, नया मेरा फोन है. प्रोटेक्टर यहाँ पे बच गया होगा, प्रोटेक्टर है देखो है, मेरा दिल गाइस वो आ रहा है. क्या मैं के प्रोटेक्टर के बगैर यूज करूं नया फोन है. उतरवाना फिर से उतरेगा. प्रोटेक्टर है यार यार, अब तो ध्यान तो रखती यार, तुमने क्या कहाँ रखा हुआ था फोन. इसको चीज़ ना दिया करेगी अपने फोन पर. सॉरी नहीं मैं वीडियो बना रही थी. बहुत नहीं ना जुड़ जाएगा अगर मुंह पर थप्पड़ मारे तो. सॉरी नहीं मुझे ये डर लग रहा है, लगवाने जाऊंगी तो फिर मैं कह रही मुझे ये डर लग रहा है कि नीचे नहीं, मुझे ये लग रहा है कि नीचे ना कहीं कुछ हो गया हो कुछ यार. अबे क्या मसला है यार, ऊपर से इतना बुरा गिरा यार वो बेचारा. आप भी नहीं है, रिंग लाइट पे लगा हुआ था. पीछे बैग तो नहीं टूटा. अच्छा स्क्रीन नीचे जाके लगी है. हाँ जी डायरेक्ट नीचे जाके. हाँ जी गाइस मैं अब कैमरा नहीं बंद करी, मुझे पता कैमरा ना बंद किया ना मेरी बहुत बुरी धुलाई है. गाइस आप एक बार चेक करो, क्या पता मुझे लग रहा है नीचे से ना कहीं पे टूटा. यार राबिया तुम बहुत एक नंबर की, मैं पीछे बैक स्क्रीन चेक कर रही हूँ यार. देखो तो नहीं, ये क्या हुआ है. ये देखो ना प्रोटेक्टर टूटा था बस. हाँ प्रोटेक्टर टूटा तो था. ये प्रोटेक्टर तो लगा हुआ है मेरा. कहाँ लगा हुआ है दिखाओ. ये तो ये प्रोटेक्टर तो मेरा है ही नहीं है. तो ये किसका प्रोटेक्टर है फिर.
कैसा लगा मेरा मजाक? कैसा लगा प्रैंक? ये मामा का फोन क्यों गाइस, मैंने मम्मा के फोन के ऊपर तो उतारा था मेरा प्यारा कि मैं आपको अब भी लगता है कि मैं गिरा सकती हूँ? आपको लगता है मैं गिरा सकती हूँ? फातिमा आगे से इतनी बदतमीज आगे से कहती तो वैसे ही बुद्धू हो डायरेक्टली मेरे बुद्धूपन पे आ गई है। मेरा प्रोटेक्टर भी गाइस बिल्कुल ठीक है, मेरा फोन बिल्कुल ठीक है, मेरा दिल एकदम पैन आ गया था लेकिन अब बिल्कुल ठीक हो गया। आपका फोन कभी भी गिरा नहीं था, ये गिरा था, ये चीज मैंने गिराई थी। नहीं नहीं मामा, आपके फोन को जो है ना मैं कवर नया प्रोटेक्टर लगवा दूंगी, टेंशन नहीं लेना। नहीं नहीं वो प्रोटेक्टर लग जाएगा गाइस, नया फोन लेके दे सफर। और एक बात बताऊं, मम्मा को नया फोन लेके दे, बस करो फातिमा, ले दूंगी तो ले दूंगी, क्या मसला है? तो लेकिन मेरी बात सुनो, अपने कमेंट करना है मम्मा को, नहीं मम्मा चाहिए नया फोन, मेरा प्रोटेक्टर टूटा है, मुझे न्यू प्रोटेक्टर चाहिए। हाँ न्यू प्रोटेक्टर के फोन करते हैं मम्मा, बेटी की फुल बचत करते हैं। लेकिन तुम्हें तो लोग होता, मैं बताती हूं, तुमने मेरा दिल मोड़ा, मेरा टेंशन लिया मेरा। सॉरी यार ये क्या, तो चुप करो यार, चुप बिल्कुल चुप। गाइस कर दे कमेंट नया फोन, मैं मामा को नया फोन, मामा को नई गाड़ी, हर चीज लेके दे सकती हूँ, कोई मसला की बात ही नहीं है। हाँ देखा ना, फोन को आगे पटने से नई गाड़ी भी कह दी। मैं हर चीज लेके दे सकती हूँ मामा को, है ना मामा? फोन तो सस्ता था, बड़ी डिमांड करती, एयरप्लेन मांग लेती फातिमा, हेलीकॉप्टर मांग लेती। फोन तो सस्ता, वाह मामा वाह, फोन से भी महंगी चीजें हैं, आईफोन से लोग किडनियां बेच के खरीद रहे हैं, आप कह रही हैं फोन तो सस्ता है? वाह इतना नहीं लालच है यार, मेरी माँ से महंगा तो नहीं है ना, क्या बात कर रहे हो? बड़ी चीज लेके दूंगी मामा, टेंशन लेने आपको, मैंने आज प्रैंक में आपका साथ दिया ना मैंने, आपने मेरा, तो आपको मैं बदला अच्छा दूंगी, बस बता रही की मैंने साथ। हाँ बता दू मामा, आप शामिल थी इस प्रैंक में, मामा को पता था ऑलरेडी, ये एक्टिंग, सारी एक्टिंग थी। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है, एक्टिंग ऑस्कर आपको भी होना चाहिए यार। एक ना थोड़ा सा बस, मैंने इसने कहा आपका प्रोटेक्टर उतारने, किसी ने मुझसे परमिशन ली जी, तो किस वक्त ये बस मैंने किसी वक्त कारनामा कर दिया। आपकी बेटी को वैसे ही, आपकी बेटी का सांस बंद हो रही, बस यही शोखिया मार रही थी ना आप, शोखिया मार रही थी ना, तो नहीं गाय, बहुत मजा इस प्रैंक का, आप ही का जो रिएक्शन था ना, दिल ही खुशी मिली है, आप ही को मनाना है, आप ही आपसे प्यार है हमें, आप ही आप तो हमारी बहन हो, क्या दो मुझे तीन चार प्यारे मोबाइल नहीं, तो क्या चाहिए, हुक्म करो इसके प्यारे प्यारे। चलो ठीक है, अगले व्लॉग में गाइस आप ही को तीन कवर जरूर मिलेंगे, बस ये मेरा वादा है। 16 प्रो मैक्स आप भी नहीं पुराने दे, नहीं नहीं प्रो मैक्स के मिलेंगे, मेरे पास पूरा शॉपर भरा पड़ा है पुरानों से, मेरे आधे से ज्यादा तो। कौन से? मेरे दोस्त मुझे दिए थे फातिमा, मेरे पास मेरे 13-14 के अपने पुराने फोन के पड़े हैं, तुम्हारे कहाँ से आ गए? सुनो आपको इस फोन के साथ जो है ना तीन कवर कर अगले ब्लॉग में, मम्मा के साथ हो गया ये, वो तो मम्मा साथ पूरी विलन, तुम्हें फोन के साथ रबिया फ्री मिले, नहीं रबिया मैं एक दिन आके घर आके सारे घर काम करके जाऊंगी, और हुक्म करो फिर, ठीक है फिर ओके, देखा साथ ही मान गया, हुक्म करो आप, हुक्म करो, सुबह काम वाली है फातिमा यार, ये पीछे ना ये चुनटिया लगाने में आवाज नहीं आती है, फातिमा है वो तो, इससे मैं क्या गटर साफ करवाऊंगी यार। आप ही गाइस खैर हम लोग जो है इस ब्लॉग को भी एंड कर रहे हैं, इनका ही चलता रहेगा, अपना ही मुंह कितनी बुरी बात है यार, बदतमीजो अपनी दफा, इतने प्रैंक करती है ये लोग तब नहीं इनको दिखता। प्रैंक तूने सबसे पहले इस घर में करना शुरू किए थे, मेरी बात पक्की से ले, ना सबसे पहले सबसे पहले प्रैंक हीरा ने इस घर में किया था, मुझे याद है, लेकिन तूने जो प्रैंकों को तूल दिया ना उसके, मैंने ऊपर चढ़ा दिया, अभी आप फॉलो करते हुए प्रैंकस्टर बन गए, प्रैंकस्टर प्रो मैक्स हो गई और एक दिन ब्लॉगर प्रो मैक्स हो गई। तो जी गाइस अब करते हैं इस ब्लॉग को एंड, बहुत मजा आया, होप सो यू लाइक द ब्लॉग, जल्दी से जल्दी से लाइक कर दो, सारे सब्सक्राइब कर दो, फॉलो करो मुझे, मेरे इंस्टाग्राम जो न्यू अभी बना है उसको भी करो फॉलो, लेकिन मैंने अपना व्हाट्सएप पे वो बनाया है चैनल, हाँ जी जाके फॉलो कर लो ना यार, 1 मिलियन कर दिया, और एक मजे की बात है, एक मजे की तो मैंने भी चैनल बनाया हुआ है व्हाट्सएप का, सारे जाके फॉलो करो यार, सारे जाके हम दोनों के व्हाट्सएप ग्रुप को फॉलो करो, और राबिया ने बेचारी ने अपना नया इंस्टाग्राम भी बनाया उसको भी जाके फॉलो करो, हाँ। पुराना अकाउंट इंशाल्लाह जल्दी वापस आ जाएगा, लेकिन तब तक नए को बहुत सारा प्यार दे, मुझे भी दीजिए इजाजत, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।